नमस्कार, मैं हर्षित सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ स्टोनेक्स कैप्सूल के बारे में। आइए बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। अगर बात करें उसके यूज के बारे में तो ये एक पथरी यानी कि स्टोन की दवा है और स्टोन विशेष पर अगर हमारे किडनी में है, अगर हमारे यूरेटर में है, ब्लेडर में है, यूरेट्रा में है तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। हालांकि ये प्रकार की आयुर्वेदिक सेगमेंट है और मेरा सेगमेंट है एलोपैथ का, तो मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े इसके बारे में और नहीं जाऊंगा। एक फार्मासिस्ट हूँ इसलिए आपको एक्यूरेट जानकारी दूंगा जो आपको दो से संबंधित है, जो कुछ बचाव है बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए अगर बात करूं इसके डोज के बारे में तो इसका इस्तेमाल आपको दो कैप्सूल सुबह शाम करना होता है या फिर डॉक्टर्स जैसा पेशेंट की परिस्थिति देखे उस हिसाब से वो डोज को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी पथरी का जो आकार है वो 5 mm से लेकर के 8 mm है तो ये बड़े ही आसानी से उसको रिमूव कर देती है। इसके अलावा अगर आप पथरी में कोई और दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई अंग्रेजी दवा खा रहे हैं तो आप उसको बंद कर दें, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी अंग्रेजी दवा या कोई भी एल्कलाइजर का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ साइड इफेक्ट कॉज कर जाए या फिर ये उतने अच्छे तरीके से काम ना कर पाए जितने तरीके से यूजुअली काम करता है। तो अगर आप कोई दवा खा रहे हैं पहले से तो उसको रोक करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बात करूं साइड इफेक्ट्स के बारे में तो ये आयुर्वेद दवा है, इसमें कोई बहुत विशेष साइड इफेक्ट होता नहीं है। जैसा कि इनकी कंपनी क्लेम करती है कि ये जो स्टोनेक्स कैप्सूल होता है ये पथरी को जो 5 mm से 8 mm होता है वो लगभग 30 दिन के अंदर अंदर ही इसको रिमूव कर देता है। और अगर आपको पथरी नहीं भी है, अगर आपको कोई और प्रकार का यूटीआई इन्फेक्शन है तो भी डॉक्टर्स का इस्तेमाल कर दिया करते हैं। तो बात करूं MRP के बारे में तो ये आपको मार्केट में 10 रुपए की एक कैप्सूल बड़े ही आराम से मिल जाती है। तो ये तो था स्टोनेक्स के बारे में सब कुछ जो आपको बताना जरूरी था, कुछ सावधानियां थी जो मैंने आपको बता दी है, इसका डोज क्या है वो मैंने को समझा दिया है, इसका यूज क्या मैंने को बता दिया है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेरे सेगमेंट से बाहर की चीज है इसलिए मैंने आपको बहुत ज्यादा उसमें उलझाने की कोशिश नहीं की है। फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो शॉर्ट क्लियर सिंपल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दीजिए, ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी तक इस वीडियो में इतने धैर्य से बने रहेंगे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।